नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जियो फ़ोन में किस तरह से व्हाट्सएप चला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जियो फ़ोन का ब्राउज़र ओपन करना है या फिर जीरो प्रेस करके आपको ब्राउज़र ओपन करना है। फिर गूगल में आपको टाइप करना पड़ेगा browserlink.com। तो जो वेबसाइट है ब्राउज़र लिंक, नीचे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है, क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग पर। तो जो ब्राउज़र लिंक का जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा इस तरह का। तो आप 3 बटन प्रेस करके उसको जूम इन कर सकते हैं, या फिर आपको जूम आउट करना है तो 1 बटन प्रेस कर जूम आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यह जो विंडोज़ 7 का ऑप्शन होता है, तो विंडोज़ 7 को ही रहने देना है। और ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसकी जगह आपको क्रोम सिलेक्ट करना है, 3 बटन प्रेस करके जूम करना है। या फिर यह क्रोम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ वो जो ऊपर ऑप्शन होता है HTTPS, उस बॉक्स में आपको डालना पड़ेगा web.whatsapp.com। स्पेलिंग ठीक से डालना है, web.whatsapp.com। फिर आपको क्या करना है, इसको टेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। इस पर टेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपको एक QR कोड मिल जाएगा। तो इस प्रकार का ये जो QR कोड है, ये QR कोड ओपन हो जाएगा। आप इसको 3 बटन प्रेस करके जूम कर सकते हैं और अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है उस पर इसको आपको क्या करना है, स्कैन करना है। जूम करने के बाद अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन पर माय व्हाट्सएप वेब, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, उस QR कोड को स्कैन करना है। और जैसे स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद अपने जियो फ़ोन में व्हाट्सएप चलेगा। और दोस्तों, इस व्हाट्सएप डेस्कटॉप वर्जन की तरह चलता है, ऐप की तरह नहीं चलता है, क्योंकि जियो फ़ोन में ऐसा कोई ऐप नहीं आया है। अगर ऐप आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो जियो फ़ोन में व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है उस एंड्रॉयड फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। और जो व्हाट्सएप पर आपको डेली ट्रायल वर्जन फ्री में मिलता है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पे भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपना जियो फ़ोन में व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही आपको बेल आइकॉन पर क्लिक करना है ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों।